आप सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। आइए आज हम सभी बालों के बारे में जानते हैं। बालों की समस्या अमूमन ऐसा हो गया है दोस्तों कि हर किसी को होने लगी है। आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफ, फास्ट फूड खाने की आदत, इन सारी वजहों से, और बाहर निकलो तो बहुत सारा पोल्यूशन, इन सारी वजहों की वजह से हमारे बाल जो हैं असमय झड़ने लग रहे हैं, कमज़ोर हो जाते हैं या फिर बालों की ग्रोथ सही नहीं हो पाती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि बालों को आसानी से लंबा कैसे किया जा सकता है। ख़ास करके औरतें अपने बालों को लंबा करना बहुत पसंद करती हैं। बालों को बढ़ाने के लिए आलू का रस कैसे इस्तेमाल करें, इस बारे में भी हम जानेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक है कि आलू के रस से कैसे हम बालों को बढ़ा सकते हैं। आज के समय में ज़्यादातर लोगों को बालों से जुड़ी शिकायत रहती है और सबसे आम समस्याएं बालों के झड़ने और बालों की वृद्धि से संबंधित होती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को इस बात को लेकर भी शिकायत रहती है कि उनके बाल बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं। बालों के धीरे धीरे और बिल्कुल न बढ़ने के पीछे कई कारण हैं, जैसे प्रदूषण, अस्वस्थ जीवन शैली, खाने की खराब आदतें और शारीरिक गतिविधियों की कमी शामिल है इनमें। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि कुछ एक ऐसे घरेलू उपाय हैं जिन्हें आप अपनाते हैं तो ये आपके बालों को हेल्दी कर देंगे और उन्हें बढ़ने में यानी कि लंबा होने में भी मदद करेंगे। और आलू के रस का इस्तेमाल बालों को बढ़ाने के लिए इनमें से सबसे अच्छा घरेलू उपाय है। इसके लाभों का उपयोग करने के लिए आप आलू के रस का विभिन्न तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम आपको बता रहे हैं। बाल बढ़ाने के लिए आलू का रस, बालों के लिए ताजे आलू का रस तैयार करने के लिए एक आलू लेकर उसे छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर ब्लेंडर में मिक्स कर लें। आलू को प्यूरी फॉर्म में बना लें। अगर पेस्ट गाढ़ा है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें। आलू के अवशेष से रस अलग करने के लिए मलमल के कपड़े का प्रयोग कर इस पेस्ट को छान लें। आपका पेस्ट लगाने के लिए तैयार है, लेकिन ध्यान रहे कि हर बार इस्तेमाल के लिए आलू के रस का ताज़ा पेस्ट ही बनाएं, रखा हुआ रस नहीं इस्तेमाल करें। आलू का रस लगाने का तरीका, हम कैसे बालों पर अप्लाई करेंगे इसे। घने लंबे बालों के लिए आलू के रस की धीरे धीरे अपने स्कैल्प पर मालिश करें और बचे हुए रस को बालों में लगाएं। इसे शावर कैप से कवर कर लें, फिर 20 से 25 मिनट बाद लगा रहने के बाद अपने बालों को पानी से धो लें। बालों को बढ़ाने के लिए इस उपाय को हफ्ते में एक बार करें। बालों को बढ़ाने के साथ साथ यह उपाय बालों को चमकदार भी बनाता है। इसके अलावा यह उपाय प्याज और बियर की तरह बालों में बदबू भी नहीं देता है, क्योंकि आपने कई जगह सुना होगा कि प्याज से भी हम बालों का इलाज कर सकते हैं और बियर से भी। लेकिन सबसे बेस्ट आलू इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें दुर्गंध भी नहीं होती है। मित्रों, आलू के रस और शहद को मिक्स करके भी आप मास्क बना सकते हैं। इसे भी अगर आप अपने बालों में लगाते हैं और लगा करके आधे घंटे तक छोड़ देते हैं, सबसे पहली बात का ख्याल रखें कि जब भी कोई भी रस बालों में लगाएं उससे पहले अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें किसी भी कंडीशनर की वजह से। अगर कंडीशनर नहीं यूज करना है तो भी बेस्ट है, आप एक नींबू लीजिए, नींबू को बालों में निचोड़ दीजिए और उससे अपने बालों की सफाई कर लीजिए, बाल क्लीन हो गए। इसके बाद आलू के रस को या फिर चाहे तो उसमें थोड़ी सी शहद मिला करके और बालों के स्कैल्प पर मालिश करें। बालों की जड़ों में उंगलियों से हल्के हल्के हाथ से आपको मालिश करनी है और 30 मिनट तक छोड़ देना है। फिर आपको जब बाल सूख जाएं अच्छे से, तब आपको क्या करना है, बालों को धो लेना है नॉर्मल पानी से, फिर बालों को सूखने दीजिए। अगर आप ऐसा लगातार करते रहते हैं, सप्ताह में 2 दिन भी ऐसा करते हैं आप, आयुर्वेदिक औषधियाँ जो होती हैं वो टाइम लेती हैं थोड़ा। आपको परेशान नहीं होना होगा कि अरे यार एक बार मैंने लगाए तो बढ़ जाना चाहिए था, नहीं बढ़े मेरे बाल, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप प्राकृतिक औषधियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इसमें वक्त लगता है, लेकिन बालों की ग्रोथ जो होती है विदाउट हार्म नेचुरल ढंग से होती है, जो कि आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है।
तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए बालों की ग्रोथ से संबंधित। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे मित्रों कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।